टेक्सटाइल सेक्टर में भी सरकार बड़े बड़े टारगेट लेकर चल रही है, यानी कि सेक्टर की तरफ नजर है सरकार की कि इसका कुछ ना कुछ हमें करना है। तो क्या कुछ है टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर सरकार के प्लान और टारगेट्स, बता रही है मानसी। मानसी बताइए। सर, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को लेकर बड़े प्लान्स हैं और अगले 5 साल के लिए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ाने का लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं। 5 साल में $10,000 करोड़ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का लक्ष्य टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से आता हुआ दिखा है। दरअसल FY21 में एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ $3,000 करोड़ रहा है और कोविड क्राइसिस थी जिसके चलते यहाँ पर 10% की गिरावट भी अगर सालाना आधार पर देखे तो फिर देखी गई थी। अब इसी को देखते हुए आगे जो एक्सपोर्ट के टारगेट्स हैं ये बढ़ाकर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री चल रही है और मांग में भी हम देख रहे लगातार बढ़त है जिसके चलते एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिल ही रहा है। अप्रैल और अगस्त 2021 की अगर बात करें, अप्रैल से लेकर अगस्त तक की यानी कि 5 महीनों की बात करें, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 87% की बढ़ोतरी देखी जा चुकी है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मांग में कितनी ज्यादा बढ़त आई है। दुनिया में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो भारत देश 4थे पायदान पर आता है। भारत का अपैरल एक्सपोर्ट मार्केट कितना बड़ा है इसे अगर समझना है तो US, यूरोप, UK, सऊदी अरेबिया, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यहां पर एक्सपोर्ट्स भारत करता है। और अपैरल एक्सपोर्ट को लेकर, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को लेकर पिछले दिनों भी काफी ज्यादा मांग बढ़ती हुई इनमें देखने को मिली है। इन्हीं लक्ष्यों के चलते और साथ ही जो पिछला ट्रेंड दिखा है 5 महीने का, जहां पर एक्सपोर्ट में 87% का अपटिक आता हुआ दिखा है, तमाम जो अपैरल और टेक्सटाइल बेस्ड कंपनियां है उस पर नजर रखनी चाहिए। टेक्सटाइल स्पेस में अच्छी तेजी के बीच हम ट्रेड आज भी देख रहे हैं और अरविंद फैशन, हिम्मत सिंह का, अंबिका कॉटन, वेल्सपन इंडिया, इन तमाम कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए। अच्छे यहां पर मांग इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स के लिए आते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो टेक्सटाइल कंपनियों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर, कुछ ना कुछ बढ़िया होने की तैयारी में है, ये आपके लिए।